मित्रा में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि किशोरी के साथ गांव के एक हैवान ने दरिंदगी की है, जबकि पुलिस की टीम परिजन की नामजद एफआईआर के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बेमेतरा में चंद दिनों के अंदर एक बार फिर नाबालिग की संदिग्ध मौत ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां बेहोशी की हालत में मिली एक नाबालिग की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन ने आशंका जताई है कि बच्ची के साथ गांव के एक हैवान ने दरिंदगी की है, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। नाबालिग बच्ची जिसको लेके जिला की चिकित्सालय लेके आ रहे थे, रास्ते में वो खत्म हो गई है, तो उसको अभी जिला चिकित्सालय में रखा गया है। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने गए परिजन ने बताया है कि वो रोजाना की तरह खेत पर काम करने गए थे, तब बच्ची सही सलामत घर पर थी, लेकिन जैसे ही वो खेत से वापस लौटे तो बच्ची बेसुध हालत में घर पर पड़ी हुई मिली। घबराए परिजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन बच्ची की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही नाबालिग ने दम तोड़ दिया। परिजन ने पुलिस को दी शिकायत में गांव के एक शख्स पर बलात्कार की आशंका जताई, जिसकी वजह से नाबालिग की मौत हो गई। वहीं पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही, ताकि मौत की पुख्ता वजह सामने आते ही संदिग्ध आरोपी को दबोचा जा सके। लेकिन इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और ग्रामीण सख्ते में है, जबकि पुलिस दावा कर रही है कि इस केस की तह तक जाकर उचित कार्रवाई की जाए। की बात कर रहे हैं सर, गांव के वक्त के दौरान उसमें अभी मर्ग कायम करके उसमें जांच की जा रही है, और कल जैसे उसमें जांच में आएगा तो तत्काल कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह नाबालिग बच्चों को शिकार बनाने के केस सामने आए हैं, उसके लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे अपराध पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि जब तक बदमाशों को सख्त सजा नहीं दी जाएगी, तब तक उनके दिल में कानून का शौक कायम नहीं हो सकेगा, जिसके चलते ऐसी वारदातें सामने आती है। हवालात के लिए बेमेतरा से स्वराज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।